रामायण की कहानी तो आप लोगों को याद होगी। अगर भूल चुके हैं तो फिल्म इंडस्ट्री ने फैसला कर लिया है कि अब वो आपको रामायण की कहानी को विजुलाइज करके दिखाए जाएंगे। जी हाँ, रामायण के ऊपर तो बहुत सारी मूवीज पहले बन चुकी हैं, बहुत कुछ बन चुका है, लेकिन अब जो मूवी आने वाली है वो सबको हिला के रख देगी और उसके बाद किसी मूवी आने का कोई चांस बच। जैसे कि हाल ही में रामायण मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया गया था और ऐसा ऐसा उसके ऊपर से पर्दा उठाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन जी को रावण बनाया जाएगा। जी हाँ, ऋतिक रोशन जी को फर्स्ट टाइम जो है वो एक नेगेटिव रोल दिखा जाएगा और उसके अंदर उनको रावण बनाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऋतिक रोशन जी अगर रावण है तो फिर राम कौन है? जी हाँ, राम वन एंड ओनली ब्रह्मचारी रणबीर कपूर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रणबीर कपूर जी को राम बनाया जाएगा और रणबीर कपूर वर्सेस ऋतिक रोशन एक दफा होने वाला है। पहले टाइगर श्रॉफ वर्सेस ऋतिक रोशन हुआ था, अब रणबीर कपूर वर्सेज ऋतिक रोशन होने जा। और रामायण की शूटिंग कम से कम 4 से 5 साल तक चलती रहेगी क्योंकि इसका पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा और बहुत कुछ आता रहेगा। जी हाँ, 700 करोड़ की इतनी बड़ी मूवी बन रही है जिसको 4-5 साल लगेंगे, जिसके मुख्तलिफ पार्ट आएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि सीता माता का जो रोल है वो दीपिका पादुकोण जी कर रही हैं और उन्होंने इस चीज़ के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अब जो है वो इस मूवी का ब्लॉकबस्टर मूवी का हिस्सा बनने जा रही हैं और अब आप लोग सारी की सारी जो तमिल मूवीज़ हैं उनको भूल जाएंगे और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें।